नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है। दोस्तों, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज नाराज मत होइएगा। डॉक्टर कहता है, नहीं, घबराओ नहीं, सवाल पूछो। तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या जानवरों को प्यार करना गलत है? डॉक्टर कहता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, सभी लोग जानवरों को प्यार करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक पेट डॉग है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। अब पेशेंट जो है ना, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। वो कहता है, डॉक्टर साहब क्या मतलब ऐसा भी नॉर्मल होता है कि जब तक 8-10 बार दिन में उस जानवर को देख ना लो तो आपको बेचैनी बनी रहती है और मन बार बार मन करता है उसको बार बार देखे, बार बार मिले उससे। अब डॉक्टर को लगता है कि यार ये ना कुछ ज्यादा मैटर खराब हो रहा है। डॉक्टर कहता है, क्या बात है, क्या है, आप किससे प्यार करते हो? कहता है, नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ एक जानवर से। तो डॉक्टर कहता है, अच्छा, आप जरा फोटो दिखाइए। अब डॉक्टर जो पेशेंट है वो डॉक्टर को एक फोटो दिखाता है। अब जब वो पेशेंट अपने जेब से डॉक्टर को फोटो दे रहा होता है तो उसके चेहरे पर वैसे ही हाव-भाव होते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी नई नवेली दुल्हन या गर्लफ्रेंड या अपनी फ्रेंड की फोटो किसी को दिखा रहा होता है। वही शर्माना, वही लज्जाना, वही घबराना, वही चुपके से देखना, और वो प्यार से डॉक्टर साहब को वो फोटो देता है। डॉक्टर फोटो को देखते हैं और देखते क्या है कि वो जो है फोटो, वो एक घोड़े की फोटो है। डॉक्टर चौंक के बोलते हैं, अरे ये तो घोड़े की फोटो है, तुम घोड़े से प्यार करते हो? अब पेशेंट गुस्से में आता है, अरे डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, मैं इतना भी पागल दिखता हूँ क्या कि मैं घोड़े को प्यार करूंगा? गौर से देखिए, ये घोड़ा नहीं, घोड़ी है। अब ये बात जो है, ये कहानी क्यों बताई गई है? ये कहानी इसलिए बताई गई है कि यहां पर जो पेशेंट है ना, वो अपनी हर बात को जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, कुछ भी महसूस कर रहे हो, हर व्यक्ति अपने उस परिस्थिति को ना जस्टिफाई कर ही लेता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितने भी ऑकवर्ड हो, कितने भी अजीब हो, कितना भी गरीब हो चीजों की, वो अपनी हर सिचुएशन को जस्टिफाई कर लेता है। जैसे कि आप लोगों में अगर जो पीसेस तैयारी करते हैं कि 30+ से उम्र ज्यादा के लोग होते हैं, वो उनके पास एक बहाना रहता है कि उनके पास टाइम कम होता है, वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मैं इसलिए पीसीएस नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। कुछ लोग जस्टिफाई कर लेंगे, वो इसलिए पीसीएस नहीं बन पाया क्योंकि शादी हो गई थी, फैमिली आ गई थी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो किसी ना किसी तरह से अपने आप को जस्टिफाई व्यक्ति कर ही रहता है, किसी ना किसी प्रकार से जस्टिफाई आदमी कर रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सेल्फ एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। एक कहानी याद आ रही है, एक राजा रहे हैं फ्रेडरिक द ग्रेट। फ्रेडरिक द ग्रेट बहुत बड़े राजा थे। इन्होंने एक दिन विचार किया कि वो अपने जो कैदी हैं उन कैदियों को देखने जाएंगे। अब जेल की यात्रा करते हैं, वो जाते हैं। अब जैसे ही फ्रेडरिक द ग्रेट जाते हैं, जितने लोग होते हैं, जितने कैदी बंद होते हैं, वो सब रोने लगते हैं। अब बार बार आके फ्रेडरिक द ग्रेट के पैरों पर चरणों में गिर जाते हैं। सब कहते हैं, अरे साहब मेरी गलती कुछ नहीं थी, लोगों ने फंसा दिया, लोगों ने कर दिया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की गई है। कुछ और आगे बढ़े तो लोग बोलने लगे, साहब मैं तो होश में नहीं था, नशे में था। कुछ और आगे बढ़े तो कुछ और आ गए, तो ऐसे कैदी आ गए जो बोलने लगे कि सर मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, या हम बहुत गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था अच्छा वकील रखने का, और जो कानून होता है वो वक्त जो अमीरों का ही कानून है, गरीबों के लिए तो सिर्फ सजा ही होती है। ऐसे कंप्लेन लगातार हो रही, तो फैक्ट्री सबको सुन रहे होते हो और आगे जा रहे होते हैं। आगे चलते 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 आखिरी में एक एक और कैदी मिलता है उनको। अब कैदी से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, वो चुपचाप खड़ा होता है, तुम्हें कुछ नहीं कहना? वो कहता, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो सजा मुझे मिली है ना, वो तो मेरे उस अपराध के लिए कम है, मैं तो अपराधी मानता हूँ अपने आप को। जैसे ही फैक्ट्री द ग्रेट को पता लगता ना, कहते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि ऐसा है, सबसे पहले इस आदमी को बाहर करो यहाँ से, सबसे पहले इस आदमी को बाहर करो, वरना इसकी बातें सुन के बाकी लोग भी जो भले माने से वो भी बिगड़ जाएंगे। उसको बाहर कर दिया जाता है। बाहर कर देते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा, क्योंकि वो तो कह ही रहा था कि वो अपराधी है, वो कह रहा है बार बार कि वो अपराधी है, और बल्कि इनफैक्ट उसको तो सजा भी कम मिली है, उसको बाहर क्यों कर दिया? फैक्ट्री द ग्रेट बोलते हैं कि कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो ना, अगर वो सेल्फ एक्सेप्टेंस करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस कि वो
स्वीकार कर ले कि उसके अंदर वो अपराधी वाले जो गुण हैं रहे हैं, तो वहीं से जो है सुधार की यात्रा शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई 1,000 2,000 5,000 में कोई एक व्यक्ति होता है जो जो इस प्रोसेस में आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस वाले में, अन्यथा बाकी सभी लोग जो होते हैं वो डिनाइल फेज में रहते हैं, यानी कि वो ये स्वीकार ही नहीं करते कि कमियां हैं वो खुद के अंदर हैं और बाकी जो है परिस्थितियां अलग हैं। सबको ये लगता है कि वो परिस्थितियों के मारे हुए हैं, जैसे पीसीएस के अंदर भी यही है कि हजारों में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने को सेल्फ एक्सेप्टेंस रखता है कि हाँ भाई मैं अगर पीसीएस नहीं बन पाया तो गलती मेरी ही रही होगी, मेरी कमियां रही होंगी तभी मैं नहीं बन पाया, अन्यथा तो बनने के लिए तमाम रास्ते थे। ठीक है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, कुछ को सुविधा ज्यादा मिलती है, कुछ को कम मिलती है, बट वो चीजें बाद में आती है। पहला तो स्टेप मेरा ही आता है कि मेरी मेरी तरफ से कितनी कोशिश की गई है, वो ईमानदार कोशिश की भी गई या नहीं की गई है। ये तो अमूमन या तो लोग अपनी परिस्थिति को जस्टिफाई करते हैं, या तो अपनी जस्टिफाई करते हैं, या सेल्फ डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला भाव नहीं आएगा ना, आप किसी भी परिस्थिति को जो भी है आप पीसेस करी ईमानदार से कर नहीं पाओगे, हमेशा आप ब्लेम करते रहोगे हर चीज पे, कभी परिस्थितियों को, कभी फैमिली को, कभी अपने आप को, कभी ईश्वर को ही करते रहोगे, आप करते रहोगे अक्सर। पीसीएस भले ही नहीं बन पाओगे लेकिन आप जो है वो डिनाइल फेज में हमेशा रहोगे। एक और बात मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति जो था वो डॉक्टर के पास गया, पेशेंट, और कहता डॉक्टर साहब मुझे ना अजीब से स्थिति है मेरी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर, क्या बात है भाई, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मैं जब भी लेटता हूँ ना बिस्तर के ऊपर, मुझे हमेशा लगता है ना कि मेरे बेड के नीचे कोई है, और जब मैं नीचे आके बेड के नीचे जाके देखता हूँ वहाँ कोई नहीं होता है, फिर मैं नीचे बेड के नीचे बैठ जाता हूँ देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरे बेड के ऊपर कोई है, फिर मैं ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ कोई है ही नहीं, यहाँ खाली है। अब मैं जब ऊपर बैठा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। अब यही सिचुएशन चलती रहती है कि मैं कभी बेड के ऊपर होता हूँ, कभी बेड के नीचे होता हूँ, कभी बेड के ऊपर होता हूँ, कभी बेड के नीचे होता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा, कभी बेड के ऊपर कभी बेड के नीचे, मैं करूँ तो क्या करूँ मैं? डॉक्टर बोलते हैं यार देखो यार ये ना बीमारी बड़ी खतरनाक है और इसमें लगेगा समय, टाइम लगेगा, और कम से कम 2 साल का समय लेके चलिएगा, उस 2 साल के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओ। कोशिश करूंगा, मैं दवाइयां दूंगा, सब कुछ पूरा रहेगा, हफ्ते में 2 दिन आपको आना पड़ेगा क्लिनिक में, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आने को तैयार हूँ, बस एक चीज रिक्वेस्ट है, मैं क्योंकि 2 साल का मैटर है, इतना लंबा इलाज चलेगा, मैं एक बार अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ कि वो पूछ लूँ, उसकी परमिशन ले लूँ कि भाई वो राजी है, और मैं आपको बस घर जाके फोन करता हूँ आपको, और उसकी परमिशन लेके कॉल करूंगा मैं आपको। ठीक है, वो घर चला जाता है, अब डॉक्टर साहब जो है वो वेट करते रहते हैं, एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, फोन नहीं आता है, 3 दिन निकल जाता है, फोन नहीं आता है, ऐसा करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। अब डॉक्टर जो है ना वो बड़े परेशान, क्या करे भाई। ठीक है, डॉक्टर से रहा नहीं आता, डॉक्टर फिर खुद ही फोन कर लेते हैं उस पेशेंट को, कहते हैं भाई साहब डॉक्टर आपको तो आना था इलाज कराने के लिए, थेरेपी लेने के लिए, आप आए क्यों नहीं? कहते डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हैं, क्या बात है, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ? कहते हाँ डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, एक्चुअली है ना मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई कि मुझे बड़ी समस्या होती है कि मैं कभी बेड के ऊपर होता हूँ तो नीचे कुछ दिखता है, और जब नीचे होता हूँ तो मुझे ऊपर समझ में आता तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो मेरी वाइफ ने बहुत आसान सा एक इलाज कर दिया और वो उसके बाद मुझे समस्या नहीं है। तो कहते ऐसा क्या इलाज कर दिया भाई, मैं यहाँ इतना क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ कि 2 साल का समय लगेगा, और आपकी वाइफ ने एक हफ्ते में इलाज कर दिया आपका? कहते हाँ साहब कर दिया, क्या किया? डॉक्टर साहब उसने ना जो बेड है बेड के चारों पाए काट डाले, अब बेड तो है, बेड का नीचे साइड कुछ नहीं है, अब बेड के चारों पाए कट गए नीचे, अब नीचे कुछ है ही नहीं, अब मैं आराम से बेड के ऊपर सो जाता हूँ, नीचे कुछ होता ही नहीं है। अब क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डॉक्टर के पास, ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ना 2 साल क्या 200 साल भी होते तो भी ठीक ना हो पाता, क्योंकि कभी कभी लोग चीजों को गलत डायग्नोज कर लेते हैं, सोल्यूशन बहुत आसान होता है, चीजें बहुत सिंपल होती हैं, डायग्नोज करते हैं वो गलत हो जाता है, और वहां से गलत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं, गलत डायरेक्शन में, और गलत डायरेक्शन में आप कितनी मेहनत कर लो आप गलत ही रिजल्ट आएगा। जैसे पीसीएस के अंदर है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन गलत है, रिजल्ट आता नहीं है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन वो
वो जो गाइडेंस है वो सही रहनी जरूरी है, क्योंकि जब सही गाइडेंस रहेगी, सही एफर्ट रहेगा, सही टाइम देंगे आप, सही रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपके लिए जो है तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका जो है राइट प्रोसेस, ठीक है, गलत प्रोसेस, राइट प्रोसेस। तो पीसेस के अंदर ये तीन फेज जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आप जस्टिफाई ना करो अपनी किसी भी गलत सिचुएशन को, ठीक है, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करो और कम से कम सही राइट प्रोसेस को अपनाओ पीसेस के लिए, तब तो आप एक वक्त के बाद अपने आप को एक मुकाम पे देखेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अब ये बातें जो मैंने बताई ना, ये आप स्वयं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बातें बताई हैं मैंने इसके अंदर। लेकिन अब इसमें क्या है कि राइट प्रोसेस को लेकर बड़ा समस्या रहता है कि भाई राइट प्रोसेस है क्या, क्या हम माने कि हम सचमुच पीसेस के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। कई बार सही सवाल आपको मन में आता हो कि हम सचमुच क्या पीसेस के लिए बने हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए तो आपको खुद आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की है आप लोगों के लिए है, मैंने पहले बताया भी था, ठीक है, ये एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। क्योंकि मैं मेरा पाला बहुत सारे स्टूडेंट से पढ़ता रहा है इतने सालों में, और मैंने देखा कि लोगों की जो कन्फ्यूजन है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ समझ में नहीं आता कि वो तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसका एक मैंने बहुत ही आसान एक रास्ता निकाला है कि थोड़ा सा उनको उस प्रोसेस में गुजारा जाए और एक बार उनको एक लाइव एक्सपीरियंस कराया जाए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का। अगर वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अगर वो महसूस कर पाते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, तब तो उनको पढ़ाई करनी चाहिए, अन्यथा पढ़ाई छोड़नी चाहिए। तो ये क्या है, जैसे मान 30 साल से ऊपर की जो उम्र है जिनकी, जिन लोगों की 30 साल से ऊपर की उम्र है, ठीक है, 30 साल से ऊपर की उम्र है, जॉब है, फैमिली है, पढ़ाई छोड़ के कई साल हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा पीसेस तैयारी करें या ना करें, उनके लिए खासकर बनाया गया। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो लोग दोबारा से स्टार्ट कर सके, दोबारा से कोशिश कर सके रिस्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनको एक छोटा सा एक रीस्टार्ट बैच में डालेंगे, 5 दिन का बैच रहेगा जो कि फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 5 दिन का रहेगा। आपसे बोला जाएगा भाई ऐसा है, आप पहले रजिस्टर कराओ, रजिस्टर में आप अपना नाम दे दोगे, ठीक है, करना क्या है, आप पहले जो नंबर दिया हुआ है नीचे नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इस पर लिखना है रीस्टार्ट लिखना है या कॉल कर दीजिए, ऐसे कॉल बैक हो जाएगा आपको। अब करना क्या होता है कि आपसे एक समय मांगा जाएगा, आपने कहा कि भाई मैं 6 बजे फ्री होता है, 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे आपको ना एक वीडियो दिया जाएगा जो लगभग 30 मिनट का होगा, आप वो वीडियो देखोगे, आपका काम है वीडियो देखना, आराम से वीडियो देखना, ठीक है। उस वीडियो देखने के बाद आपसे ना सवाल पूछे जाएंगे, कुछ 2-3 सवाल छोटे छोटे सवाल होंगे जो उस वीडियो के अंदर ही होंगे, ये चेक करने के लिए कि आपका अटेंशन है कि नहीं है। आपने वीडियो देखा, आपने सवाल है, उसका जवाब दे दिया आपने, ठीक है। अब ये प्रोसेस 5 दिन चलेगा, आपने जिस समय डिमांड की होगी वीडियो की, वीडियो उसी समय मिलेगा आपको, ना उससे पहले ना उससे बाद में आपको मिलेगा, आपको देखना समय पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इस 5 दिन के अंदर ये यहाँ पर आप डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि आप दोबारा शुरू कर रहे हो तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन करने होंगे तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, कुछ दिक्कत भी आएगी, समस्याएं भी आएंगी। अब इन 5 दिन के अंदर अगर आप इन सभी चीज़ों से आप हैंडल कर पाए, इन चीज़ों को आप अपने मन की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो फीलिंग्स है उसको हैंडल कर पाए, घर के वातावरण को आप हैंडल कर पाए, परिस्थितियों को, जॉब की, फैमिली को हैंडल कर पाए, और इस 5 दिन को आप पढ़ पाए और इंजॉय कर पाए, यकीनन आपके अंत में आपको ये फील आएगा कि यार मैं कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो, कैसे भी करो, पीसेस करो, कि आप तन मन धन से ना पीसेस की तैयारी के लिए बन गए हो, आप बने हुए, आप करो। लेकिन इस 5 दिन के अंदर अगर आप के अंदर वो 5 दिन पूरे ना कर पाए, इनडिसिप्लिन हो गए, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, मजा नहीं आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा लोड है जीवन का, फैमिली का, घर जॉब का, और पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूंगा कि पढ़ाई अभी मत करो, छोड़ दो, पहले चीजों को बैलेंस कर लो, परिस्थितियों को बैलेंस कर लो, उसके बाद चीजें कर लेना। लेकिन जो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, तो इन 5 दिन के अंदर जो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं उनको ये रास्ता मिल जाएगा कि हाँ भाई अब वक्त आ गया तैयारी करने का, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर सकते हैं। तो फिर वो लोग जैसा चाहें वो तैयारी कर सकते हैं, मैंने कह रहा कि मेरे यहाँ पढ़ो आप जैसा चाहो, आप बस पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब आप तैयार हो तैयारी करने के लिए, आप रीस्टार्ट करने को तैयार हो आप, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको ना आपको लाइफ एक्सपीरियंस देगा, वो एक एहसास कराएगा कि प्रिपरेशन होती क्या है, प्रिपरेशन में आप किस प्रेशर से गुजरते हो वो आपको फील कराएगा, एक लाइफ एक्सपीरियंस। छोटा सा 5 दिन का रहेगा, लेकिन 5 दिन आपके लिए सफिशियंट रहेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी जो
परिस्थिति है, या पीसीएस की तैयारी करने के लिए है या नहीं है। अगर है तो तैयारी स्टार्ट कीजिए, नहीं है तो पहले परिस्थितियों को ठीक कर दीजिए और बाद में जाएगा। ठीक है, तो चीजें बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, कहीं बार ऐसा नहीं होता, इतना एफर्ट कोई नहीं करता है। करना क्या है आपको, जो नंबर दिया है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। पंडित शुरू कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, आप जब भी करेंगे कॉल उसके बाद मैं आपको, क्योंकि वीडियो है बात, लोग बाद में देखते रहते हैं, तो जब भी नया बैच होगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि ऐसा फीडबैक मेरे पास रहा है, पहले भी मैंने 2022 में स्टार्ट किया, 23 में किया, मैंने कुछ लोगों के साथ किया था, और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि लोगों को एक डायरेक्शन मिली है। यकीन आपको भी डायरेक्शन मिलेगी, या तो प्रिपरेशन करने की मिलेगी या चीज़ों को बैलेंस करने की मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। तो इस चीज़ को एंजॉय कीजिएगा, इस चीज़ को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, एक बस आपको कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना है। इस वीडियो में देख सकते हैं, मुझको तो वीडियो पसंद आया होगा।